एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ हेयर स्मूथनिंग के लिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पिछले कई सारे व्लॉग्स में। तो ये है मेरे वो बाल, झाड़ू जैसे बाल, बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल भी इसमें लाइफ नहीं है। तो स्मूथनिंग के लिए मैं जा रही हूँ और ये है मेरा पहले का लुक, बिफोर का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप कुछ अच्छा सा है। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है मेरे बालों की और शायद 5100 वो चार्ज कर रहे हैं, और बाकी शैम्पू, कंडीशनर और आगे के हेयर स्पा का भी कुछ चार्जेस होंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो शायद 5-6 घंटे लगेंगे। तो ये है, देख लीजिए मेरे बाल, आई होप कुछ तो चेंज आएगा लुक में। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। स्मूथिंग कराने के बाद तो ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं चिपकू लग रही हूँ क्योंकि बाल थोड़े चिपके चिपके लग रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे बालों में वॉल्यूम नहीं है, मतलब बहुत ही पतले हल्के बाल है, जो नेचुरली उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही फ्रीजी ड्राई और बहुत ही हल्के बाल है, तो इसलिए इतना वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, जैसे भी उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मेरे बाल बहुत फ्रीजी थे, मतलब बहुत ही फ्रीजी ड्राई से थे। तो करीब 3.5 घंटे लगे इस पूरी प्रोसेस में। तो जो प्रोसेस होती है उसमें मैं कैरेटीन भी करा सकती थी, कैरेटीन का जो इफ़ेक्ट होता है वो 2-3 महीने रहता है, इसलिए मैंने नहीं कराया है कैरेटीन। थोड़ा कॉस्टली भी था वो, इसलिए मैं स्मूथनिंग के लिए गई हूँ। तो जो मेरे बाल है ना, इसमें कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का केमिकली ट्रीटेड हेयर्स नहीं है। तो वो लोग इन हेयर्स को बोलते हैं वर्जिन हेयर्स, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, कैरेटीन, स्मूथनिंग, यहाँ तक कि इसमें कलर्स भी नहीं लगाए हैं मैंने, कलरिंग भी कभी कलर भी नहीं किए हैं। एक बार किया है बस मैंने कलर, वो भी स्ट्रीक्स हाईलाइट टाइप पे कुछ किए थे बस मैंने। तो इस वजह से उनको उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है उससे अलग हो जाता है। तो जो सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे पहले तो मेरा हेड वॉश किया, हेड वॉश करने के बाद में उन्होंने कंडीशनर वगैरह लगा के अच्छे से हेड वॉश किया, शैम्पू से अच्छे से हेड वॉश किया मेरा। उसके बाद में उन्होंने कुछ स्प्रे जैसा लगाया और स्कॉच्प्रूफ का था, हाँ ये पूरा का जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है ये पूरे स्कॉच्प्रूफ के उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। और ये मैं गई थी अपने ही घर के पास, एक लैक्मे सैलून खुला है उनके पास, तो उन्होंने स्कॉच्प्रूफ के ही वो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने स्कॉच्प्रूफ का एक स्प्रे टाइप था वो लगाया है। वो इसलिए उन्होंने लगाया क्योंकि मेरे बाल किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटेड नहीं थे, तो थोड़ा सा ये होता है कि मेरे बालों में जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्रीम, उसको अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए उन्होंने वो स्प्रे लगाया था। और उस स्प्रे के बाद में उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से क्रीम लगाई, एक एक बहुत पतले पतले स्ट्रैंड लेकर, मतलब बहुत अच्छे से इतना इतना उन्होंने बंच लेकर उन्होंने क्रीम लगाई, और पूरे बालों में उन्होंने क्रीम लगाई। और क्रीम लगाने के बाद में उसको 10 से 15 मिनट या मेरे ख्याल से 20 मिनट के लिए उन्होंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया था। तो जो क्रीम लगाते हैं उससे क्या होता है, जो आपके बालों में जो बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसकी वेवीनेस है, कर्लीनेस होती है, तो वो खुलने शुरू हो जाते हैं, उनके बॉन्ड टूट जाते हैं। और 15-20 मिनट लगाने के बाद में वो बॉन्ड पूरी तरीके से खुल गए थे, और वो पूरी तरीके से, फिर जब मैंने उसके बाद दोबारा से हेड वॉश हुआ और जब मैंने हेड वॉश कराया उसके बाद ही मुझे ऐसे लगा कि ये तो अभी ही स्ट्रेट हो गए हैं। तो हाँ, जो क्रीम जो लगाई थी, जो ऑलरेडी जो ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, तो ये बात मुझे पहली बार पता चली थी कि जो केमिकली ट्रीटेड हेयर्स होते हैं और जो बिल्कुल वर्जिन हेयर्स होते हैं उसमें क्रीम में थोड़ा सा अंतर होता है। जो बिल्कुल जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनके लिए थोड़ी सी पावर बढ़ा के क्रीम लगानी पड़ती है। तो जो पावर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई दवाई की डोज लेते हैं, 200 mg की भी आती है, 500 mg की भी आती है, 1000 mg की भी आती है। तो इसी तरीके से जिनमें कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो थोड़ी सी उसमें हाई पावर की क्रीम लगानी पड़ती है। तो बस ये अंतर था, क्रीम वही होती है उसकी थोड़ी सी पावर वो
बढ़ा देते हैं। तो क्रीम लगाने के बाद में उसको 15-20 मिनट रखा, फिर उसके बॉन्ड जब टूट गए तो फिर उन्होंने उसको हेड वॉश किया, और हेड वॉश करने के बाद में फिर शुरू ही आयरन की प्रोसेस। एक एक बाल उन्होंने उसको अच्छे से लेके अच्छे से उन्होंने पूरा आयरन किया। आयरन जैसे नॉर्मल हम लोग आयरन लेते हैं उसी टाइप की आयरन थी, और बस उन्होंने ये कहा कि ये टाइटेनियम प्लेट है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल हम आयरन यूज़ करते हैं घर में उस टाइप की थी, बस थोड़ी सी उनकी अच्छी थी, शायद आइकॉनिक ब्रांड की थी और अच्छी आयरन थी। तो उन्होंने फिर आयरन की, और आयरन करने भी में भी लगा है करीब, मेरे ख्याल से मेरे बालों में शायद आधा घंटा लगा हुआ होगा आयरन करने में। और आयरन करने के बाद में उन्होंने मेरे बालों में लगाया न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर करने से ये होता है कि जैसे हम जब क्रीम लगाते हैं, क्रीम से जब बॉन्ड टूट जाते हैं और बाल आपके स्ट्रेट होने लग जाते हैं, आयरन करने से ये होता है कि अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी वेवीनेस नहीं रहती है। और जो न्यूट्रलाइजर होता है, न्यूट्रलाइजर लगाने से उसको फिक्सिंग का काम करता है, मतलब जो आप क्रीम लगा चुके हो उसको स्टेबल करने का, उसको फिक्स करने का, एज इट इज रहे आपके बाल 5-6 महीने तक। तो वो लगाया उन्होंने, और उसके बाद दोबारा से वॉश किया, और फिर बस, और इसके बाद है पूरी प्रोसेस में लगाया मुझे 3.5 से 4 घंटे। तो अगर आप सोच रहे हैं स्मूथनिंग कराने के लिए, तो प्लीज़ कुछ खाने पीने का लेकर जाएं, क्योंकि बहुत भूख लगती है, बहुत, मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं। और बस ये सब मैं कुछ ना कुछ लेकर गई थी अपने लिए, जूस वगैरह लेकर गई थी। तो ये और इसका मैंने चार्ज दिया है 5100। एक्चुअली ये बिल्कुल नया पार्लर खोला है लक्मे का हमारे सोसाइटी, हमारे एरिया में। अदरवाइज मैंने और पार्लर्स में पता किया था, जो भी मेरे आसपास के पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, तो उन सब का सब ऐसे 6000, 7000, 8000 ऐसे चार्ज कर रहे थे। इनका भी 7000 ही था। 30% डिस्काउंट के बाद 5100 मैंने पे किया है, क्योंकि 30% डिस्काउंट चल रहा था और वो जो बस अब खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। और इसके बाद में उन्होंने कहा है कि मुझे इसके लिए जो पर्टिकुलर शैम्पू आते हैं, उन्होंने मुझे स्कॉट्सप्रॉफ के ही शैम्पू रिकमेंड किए हैं, और ऑनलाइन लेने से मना किया है। मुझे नहीं पता उनकी बिजनेस टैक्टिक है कि क्या है। हालांकि मैंने अमेजन पे भी ऑनलाइन देखे थे जो रिव्यूज थे ना उस शैम्पू के, सब में यही लिखा था कि ये बहुत फेक प्रोडक्ट है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये ऑरिजिनल नहीं है। और यही बात मुझे सैलून वाले कह रहे थे कि आप ऑनलाइन मत लीजिएगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े डुप्लीकेट होते हैं। और ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगने लगा। तो जो उसका शैम्पू उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है स्कॉट्सप्रॉफ का, वो था करीब 800 समथिंग का, और कंडीशनर 1000 रुपीज़ का था, सिरम भी 1000 रुपीज़ का था। तो अच्छा खासा लगा लीजिए 2-2.5-3 हज़ार का ऊपर से और खर्चा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है हर मंथ स्पा लेने के लिए, हेयर स्पा, और वो भी नॉर्मल स्पा नहीं, जो केमिकली ट्रीटेड हेयर्स के लिए स्पा आता है वो वाला स्पा लेने के लिए बोला है। तो वो 2500 रुपये का था, जो मैं देखती हूँ लूँगी कि नहीं लूँगी, कहीं और पार्लर पता करती हूँ। तो बस अच्छा खासा खर्चा हो जाता है यार इन बालों को मेंटेन करने के लिए, बट हाँ लुक चेंज हो जाता है। और मेरे तो काफ़ी स्प्लिट एंड भी थे, और एक सेशन के लिए मुझे और जाना है, वो मैं जाऊंगी 2 दिन बाद। उसमें मुझे वो हेड वॉश देंगे और हल्की सी ट्रिम करेंगे बालों के। तो ये ऐसे हैं, ये है मेरे बालों का बैक से लुक। तो बाल मेरे वॉल्यूम कम है, आपको ऐसा लगा कि कितने हल्के बाल हो गए हैं, पर मेरे बाल वह पहले ही कम थे, बस थोड़े से क्योंकि वॉल्यूम था, वेवी थे, तो इतने दिखते नहीं थे। अब स्ट्रेटनिंग के बाद में वो, स्मूथनिंग के बाद में वो दिखने भी लगे हैं। तो आई होप, बस थोड़े चिपकू लग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि दो एक दो तीन वॉश के बाद इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, जो मुझे शायद आना शुरू, क्योंकि अभी तो मुझे चिपकू चिपकू सा फीलिंग हो रही है। और साथ में ना यहाँ भी इन्होंने ये हल्के से थोड़ा सा कर्वी वेवीनेस अभी भी मुझे इस तरफ के बालों में दिख रही है। ये जो मेरे बेबी हेयर्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी मतलब वो काफ़ी मेरे कर्वी आते हैं, तो अभी भी है इसमें। तो वो कह रहे थे कि नेक्स्ट जब मेरी सेटिंग होगी 2 दिन बाद, तब उसमें वो दिखेंगे। तो बस यही मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, इसको मैं नहीं करवा रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और मैं हर बार ये सोचती थी कि थोड़ा सा
केयर करके, होम रेमेडीज करके, अच्छी सी ऑयलिंग करके, वो होते ना मेथी वेथी, अंडा वंडा, ये सब लगा के मैं इसको थोड़ा सा ना इस लाइक ले आऊँ कि ये कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने मेरे बाल झेल पाए। लेकिन मैं 2 सालों से मैं कर रही थी, लेकिन कभी भी मुझे कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी मैं करती रहती थी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, बट वो नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने फाइनली कराई लिया है, और रिबॉन्डिंग में ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा वो सस्ती होती है, और कैराटिन में इससे कम केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो इससे महंगी होती है। आई थिंक आप सबको आजकल सबको पता है रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कैराटिन क्या होती है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया है, और अभी अभी तो खैर मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो शायद मैं सेटिस्फाइड हूँ, और शायद 2-3 महीने के बाद मैं दोबारा से आपको बता पाऊंगी कि मेरा कितना हेयर फॉल हुआ है, अभी भी स्ट्रेट है नहीं है, कितना है क्या, और उसमें और क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। तो एक शायद 2-3 महीने बाद मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ इसका, बट अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं, थोड़े चिपकू लग रहे हैं, वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। और हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली है कि मुझे इसमें कुछ भी हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है, 1 महीने तक कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे हम अंडा दही ये सब लगाते रहते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर, और मंथ में एक बार स्पा, और वीक में 2 टाइम्स शैम्पू और कंडीशनर, दैट इज इनफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है बालों में। और 2 दिन तक अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कानों के पीछे ना करना है, इनको टाई नहीं करना है, और कोई क्लिप नहीं लगानी है, सोते समय तो थोड़ा सा साइड में अच्छे से, मतलब अच्छे से सोना है। और उन्होंने मुझे पार्टीशन दिया था कि 2 दिन तक मुझे इसी पार्टीशन में बाल रखने हैं, उसके बाद मैं पार्टीशन में चेंज कर सकती हूँ। तो बस ये 2 दिन की थोड़ी सी केयर है, और उसके बाद फर्स्ट वॉश के बाद में वो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेने का। 3-4 महीने बाद मैं दोबारा से आपके साथ में रिव्यू शेयर करूंगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय।